अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिला हिसार के कस्बा उकलाना मंडी के साथ सटे गांव भेरी अकबरपुर भेरिया में 14 फरवरी से 16 फरवरी तक बाबा रामदेव जी के मंदिर में विशाल मेला लगेगा और इस मेले में दूर दराज से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचकर बाबा के चरणों में शीश झुकाते हैं और पूरे परिवार सहित पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। यहां की मान्यता है कि जो भी सच्चे दिल से यहां पर मन्नत मांगता है बाबा रामदेव जी उसकी हर मन्नत को पूरी करते हैं। मेले के अलावा हर माह की दशमी को भी यहां पर बहुत श्रद्धालु आते हैं और मेले जैसा ही माहौल बन जाता है। मंदिर के रखरखाव के लिए समस्त गांव के लोगों ने मिलकर मंदिर की एक निगरानी कमेटी बनाई हुई है और वह निगरानी कमेटी मंदिर का पूरा रखरखाव करती है और मंदिर से होने वाली आय से मंदिर परिसर में ही विकास के कार्य करवाती है। मेले की तैयारी को लेकर मंदिर कमेटी के सदस्य और पूरा गाँव बाबा रामदेव जी के मंदिर की सेवा में समर्पित है और मंदिर परिसर के आसपास दूर दराज तक सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। गौरतलब है कि बाबा रामदेव जी का असली धाम राजस्थान के रूणीचा धाम में है। नमस्कार, मैं कुलदीप सोनी बरवाड़ा हर न्यूज चैनल के लिए कैमरामैन रोहित सोनी के साथ में आज मैं जिला हिसार के गांव उकलाना तहसील के गांव भेरी अकबरपुर में हूं, जिसको कि यहां के लोग प्यार से भेरियां भी बोलते हैं। इस गांव की खासियत है इस मंदिर की, जो मंदिर इस मंदिर के आंगन में मैं खड़ा हूं, इस मंदिर परिसर में अब से कुछ रोज बाद 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी को एक विशाल मेला बाबा रामदेव जी का लगने जा रहा है, जो मेला हर साल लगता है और करोड़ों लोग यहाँ माथा टेकने के लिए आते हैं। बहुत आस्था है इस मंदिर की, दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। करते हैं श्री सतवीर जी से। सतवीर जी बताएं, ये मेला कितने वर्षों से लगता आ रहा है? ये मेला कई वर्ष से लग रही है। कितने सालों से? ये हो गया होगा 150 साल। 150 सालों से? हाँ, 150 साल से लग रही है। इस मेले के अलावा और भी कोई दिन ऐसा होता है जहाँ श्रद्धालु आते हैं मंदिर में? आते हैं। कौन से दिन आते हैं? हर दशमी आती है। दशमी को? हर दशमी को आते हैं। यहाँ आते हैं श्री हवा सिंह जी से। हवा सिंह जी, मेले के लेकर क्या तैयारियाँ आप लोगों ने की हुई है? लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उसके बारे में बताएं, तैयारी क्या है आपकी? इस मेले के लिए पुलिस का बंदोबस्त है और जो कमेटी है मंदिर की वो तैयारी में लगी हुई है पूरी। गांव का पूरा सहयोग है। बात करते हैं श्री ओम प्रकाश जी से, जो कि मंदिर परिसर में मौजूद हैं, गांव भेरी अकबरपुर के बाबा रामदेव जी के मंदिर में। ओम प्रकाश जी बताएं, ये जो मेला है कब लगेगा? ये 14-15-16 बजे। क्या विशेषता होती है मेले की? विशेषता, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर जी, बहुत भीड़ होती है, पूरी मान्यता है, मनोकामना पूरी होती है। करते हैं श्री महावीर जी। महावीर जी, मेले के बारे में बताएं, मेला किस तरह का होता है? मेला बहुत रोचक और स्थानपूर्वक होता है। इसमें सभी दूर दूर के व्यक्ति आते हैं और श्रद्धा के समान में योगदान भी देते हैं। करते हैं गांव भेरी अकबर निवासी सतीश जी। सतीश जी बताएं, मंदिर कितने एकड़ में है? मंदिर परिसर ये 5 एकड़ में है। तो 5 एकड़ में क्या क्या है मंदिर के अलावा? धर्मशाला है जी, गौशाला है जी, ग्राउंड है मंदिर के सामने और मंदिर लंगर भी जी जगह है पीछे, पार्क है। करते हैं भेरी अकबर निवासी अक्षय से। अक्षय जी बताएं, मेले को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? हमारे गांव में सभी प्रकार की तैयारियां हैं और सभी ग्रामवासी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और बहुत सा प्रबंध कमेटी ने किया हुआ है और सरकार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सुविधा हमें मिलती है। इसमें बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, अदर स्टेट से भी, इसलिए हम उनका बहुत विशेष प्रबंध करते हैं, लंगर यहाँ पर रखने का और जो धर्मशाला है उनमें ठहरने के लिए भी उनकी विशेष प्रबंध है। करते हैं श्री विजय कुमार जी से। विजय जी, मेले के बारे में बताओ कि मेले में जो श्रद्धालु आते हैं उनके सेवा के लिए गांव क्या करता है? जो श्रद्धालु उनके लिए गांव वासियों का विशेष ध्यान है और यहां पर लंगर पानी की भी सुविधा है और पुलिस सहयोग सबसे ज्यादा रहता है। सभी ग्रामवासी मेले में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और पुलिस जवानों की जिम्मेवारी होती है मेले को संभालने के लिए। मंदिर की कमेटी के सदस्य भी तो होते होंगे जो वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, कमेटी के सभी सदस्य वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं और गांव के सभी नौजवान बच्चे वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ कुलदीप सोनी की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।